किसी भी बिजनेस को जीरो से शुरू करना कोई आसान बात नहीं है, स्पेशली बैटरी इंडस्ट्री जैसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर को। और उस टाइम यानी 1990s में एक सिंगल बैटरी प्रोडक्शन लाइन को सेटअप करने के लिए मिलियन ऑफ डॉलर्स की जरूरत होती थी। बाय द वे, ये वीडियो BYD के फाउंडर वांग चानफू की लाइव स्टोरी का दूसरा पार्ट है। पार्ट वन में हमने वांग के बचपन से लेके BYD को सेटअप करने के आइडिया तक को कवर किया था, जहां हमने डिस्कस किया कि कैसे वांग एक बहुत ही गरीब और बचपन में ही अपने माँ बाप को खो देने के बावजूद एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनता है और फिर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का इरादा करता है, जहां से BYD की शुरुआत होती है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वांग ने जब अपनी जॉब छोड़ दी तो वो उस वक्त बहुत परेशान था, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वांग को जरूरत थी एक इन्वेस्टमेंट की, और वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहले वांग ने डिफरेंट बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन एक यंग आदमी होने के नाते उसके पास ना ही कोई मेजर रिसोर्सेज थे और ना ही कोई बैकिंग। वांग के लिए इतना बड़ा अमाउंट एज ए लोन लेना लगभग इम्पॉसिबल था। कई बार कोशिश करने के बाद वांग ने लोन लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर वांग ने हांगकांग के एक बड़े इन्वेस्टर वांग गांजी से बात की और $5 लाख का इन्वेस्टमेंट कैपिटल मांगा। मिस्टर गांजी को इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल लगा, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट कमेटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। आज भी ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी गांजी के लिए एक लाइफ लॉन्ग रिग्रेट है। फाइनली वांग चानफू ने अपने कजन एलवी चांग यांग, जो कि एक बिजनेसमैन था, उसको अपना बिजनेस प्लान बताया। उसने $2.5 मिलियन वांग के स्टार्टअप में इन्वेस्ट किए। ये इन्वेस्टमेंट बाद में एलवी के लिए एक बहुत बड़ा रिटर्न लेकर आई, जिसकी वजह से वो चाइना के टॉप 50 रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में शामिल हो गए। इसके अलावा वांग ने अपने एक पुराने दोस्त शिया जुकॉन, जो कि एक बिजनेसमैन था, उससे कांटेक्ट किया। वांग ने पूरे 2 दिन लगाए शिया को अपना बिजनेस प्लान समझाने में। फाइनली वो रेडी हो गया BYD में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये शिया जुकॉन आगे चल के BYD का डिप्टी मैनेजर भी बना। एनीहाउ, 18 नवंबर 1994 को शेंजन के बुजी एरिया के मेट्रोलॉजिकल एकेडमी में एक छोटा सा वर्कशॉप एस्टेब्लिश किया गया। इस वर्कशॉप का नाम रखा गया BYD, यानी बिल्ड योर ड्रीम्स। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। एक 7-स्टोरी बिल्डिंग की छत पे एक छोटी सी वर्कशॉप में लगभग 12 लोग एक साथ काम करते और वहीं रात को लाइन में मेकशिफ्ट बेड्स पर सो जाते थे। निकल कैडमियम बैटरी बनाने की इस छोटी सी फैक्ट्री में वांग 24 घंटे काम करता था। वो शुरू के कुछ दिनों में इतना बिजी हुआ कि वो अपनी फैमिली तक को भूल गया। काम की इंटेंसिटी एक तरफ थी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन अफोर्ड कर पाने की, क्योंकि वांग के पास जो भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल था वो ऑलरेडी लैब सेटअप करने और रॉ मटेरियल खरीदने में खर्च हो चुका था। ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन से प्रोडक्शन फास्ट हो जाता, लेकिन उसके अफोर्ड कर पाने तक जैसे तैसे करके काम तो चलाना था। तब वांग ने एक और कैलकुलेशन की। वांग का मानना था कि मैनुअल लेबर के साथ प्रोडक्शन शुरू करना सस्ता था एज कम्पेयर टू बाइंग सम न्यू ऑटोमेटेड रोबोटिक आर्म्स एंड अदर मशीनरी। सो इस वजह से भी वांग ने प्रोडक्शन प्रोसेस में रोबोटिक आर्म की जगह मैनुअल लेबर का यूज करके प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला किया, और मशीन सिर्फ वहां यूज की गई जहां उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं था। इस फार्मूला को यूज करके वांग ने चाइना की चीप लेबर का फुल यूटिलाइजेशन किया। सिर्फ 1 मिलियन चाइनीज यौन खर्च करके वांग ने एक प्रोडक्शन लाइन एस्टेब्लिश की जो 4000 निकल कैडमियम बैटरीज पर डे प्रोड्यूस कर सकती थी। ये बैटरीज उस वक्त ब्रिक फोन के अलावा और भी बहुत सारी गैजेट्स में यूज होती थी। चीप लेबर और लेबर प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से बैटरीज का फाइनल कॉस्ट बहुत कम्पिटिटिव हो गया और BYD ने मार्केट में जल्द ही अपनी जगह बना ली। 1997 तक BYD ने 150 मिलियन निकल कैडमियम बैटरी बेच दी थी। सिर्फ 3 साल में BYD चाइना का सबसे बड़ा और दुनिया का 4th लार्जेस्ट बैटरी मैन्युफैक्चरर बन गया। वांग और BYD के लिए सबसे सिग्निफिकेंट चीज ये थी कि उन्होंने अपने रिसर्च से एक यूनिक प्रोडक्शन मॉडल डेवलप किया जो 3 एस्पेक्ट्स पे बेस्ड था। नंबर 1, इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी पूरा प्रोडक्ट खुद तैयार करना फ्रॉम द स्क्रैच। नंबर 2, इन हाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट, यानी प्रोडक्शन में यूज होने वाली मशीन्स और टूल्स खुद ही तैयार करना। और नंबर 3, सेमी ऑटोमेशन और मैनुअल लेबर के जरिए प्रोडक्शन कॉस्ट को कम रखना। ये स्ट्रेटजी BYD का सीक्रेट ऑफ सक्सेस बन गई, जिसका यूज करके उन्होंने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपने कम्पिटिटर्स को जल्द ही पीछे छोड़ दिया। ईयर 2000 में वांग ने इसी मॉडल का यूज लिथियम बैटरीज और उनकी प्रोडक्शन लाइन डेवलप करने के लिए किया, और वो मोटोरोला, नोकिया और TCL जैसे ब्रांड के लिए बैटरी सप्लायर बन गए। ये वो टाइम था जब मोबाइल फोन्स की डिमांड बढ़ना शुरू हो चुकी थी। मोटोरोला, नोकिया और TCL की मार्केट में पोजीशन उस वक्त आज के एप्पल, हवावी और शूमी की तरह थी। इन फोन कंपनीज के लिए बैटरी सप्लायर बनने का मतलब था कि BYD के प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। BYD का प्रोडक्शन कॉस्ट उनके कंपटीटर के 1/4 या 1/3 थी, और क्वालिटी टॉप कंपनीज के द्वारा रिकॉग्नाइज की गई थी। इसकी वजह से BYD जल्द ही जापान की सनियों के बाद दुनिया की 2nd लार्जेस्ट मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरर बन गई।
जुलाई 2002 में यानी सिर्फ 7 साल के अंदर BYD एज ए रेपुटेटेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड हांगकांग में लिस्ट हो गई। 2003 में BYD ने जापान की सनियो को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरर बन गया। लेकिन वांग के लिए ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। इसी दौरान वांग के माइंड में एक और कंसर्न चल रहा था। ये कंसर्न उसकी कैपेबिलिटी का नहीं था बल्कि उसका मानना था कि बैटरी इंडस्ट्री एक छोटी सी मार्केट है जो ड्रैगन जैसे इंसान यानी वांग हिमसेल्फ के लिए छोटी पड़ रही थी। वांग का मानना था कि अगर BYD पूरी दुनिया की मोबाइल बैटरी मार्केट भी एक्वायर कर ले तब भी एनुअल आउटपुट वैल्यू सिर्फ कुछ हजार करोड़ ही रहेगी। काफी सोच विचार के बाद वांग का ध्यान एक वास्ट और फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री की तरफ गया जो कि थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। BYD के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के सामने जब वांग ने कार्स बनाने का आइडिया रखा तो सभी एम्प्लॉइज हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वांग ऐसे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है, वो भी जब बैटरी इंडस्ट्रीज में उनका बिजनेस ऑलरेडी लीड कर रहा है। लेकिन BYD में वांग की बात फाइनल होती थी और किसी और के पास इंटरफेयर करने का स्पेस नहीं था। वहीं इन्वेस्टर्स का रिएक्शन काफी तीखा था। जब हांगकांग के इन्वेस्टर को पता चला कि वांग कार बनाने का प्लान कर रहा है तो उन्होंने फोन करके गुस्से में कहा, हम तुम्हारे सारे स्टॉक्स बेच रहे हैं अगर तुम ऐसा करोगे। पर वांग का नेचर ऐसा था कि अगर उसने एक बार डिसीजन ले लिया तो वो किसी की ओपिनियन या एक्सटर्नल रिएक्शन की परवाह नहीं करता था। वांग ने ये धमकियां इग्नोर कर दी और अपने गोल को पूरा करने के लिए एकदम रेडी हो गया। 2003 में ही BYD ने शेंजी चेंचवान ऑटोमोबाइल के 77% शेयर 270 मिलियन यौन में खरीद लिए। ये अनाउंसमेंट होते ही BYD के स्टॉक्स तेजी से गिर गए और दो दिन के अंदर ही 2.7 बिलियन हांगकांग डॉलर्स का मार्केट वैल्यू इवेपोरेट हो गया। चेंचवान ऑटोमोबाइल जापान की सुजुकी के साथ मिलकर एक इकोनॉमिकल सेडान कार बनाता था जिसका नाम फ्लायर था। चेंचवान को एक्वायर करने के बाद BYD ने फ्लायर का प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा और नए मॉडल्स डेवलप करने में लग गए। लेकिन BYD की पहली कार को खरीदने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। जल्द ही वांग चानफू को समझ आ गया कि इन्वेस्टर उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री को लेकर इतने ऑप्टिमिस्टिक क्यों थे। बैटरीज बनाने और कार बनाने के बिजनेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस था और दूसरा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। दोनों का ऑपरेशनल लॉजिक अलग था और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के जरिए सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम नहीं थी। एनीहाउ, फ्लायर्स की सेल लगातार गिर रही थी। 2004 में लॉसेस 10 मिलियन से बढ़कर 70 मिलियन तक पहुंच गए। 2005 के फर्स्ट हाफ में सिर्फ 5000 यूनिट ही बिकी जो कि पिछले साल के सेम पीरियड ऑफ सेल्स की कंपैरिजन में 50% कम थी। लेकिन वांग ने फ्लायर की सेल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनका फोकस इंडिपेंडेंट रिसर्च और डेवलपमेंट पर था। वांग ने SAIC मोटर के फार्मर डिप्टी चीफ इंजीनियर लियान योबो को रिक्रूट किया और इसकी गाइडेंस में 200 मिलियन यौन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाए और एक नया कार मॉडल डेवलप किया जिसका कोड नेम 316 रखा। वांग को पूरा यकीन था कि ये केयरफुली डिजाइन कार कंज्यूमर को पसंद आएगी, लेकिन जब चाइना के अलग अलग जगहों से आए डीलर्स ने इस कार को देखा तो उनको जरा भी पसंद नहीं आई। ये देखकर वांग ने डिसाइड कर लिया कि पूरा 316 प्रोजेक्ट को स्क्रैप करके जीरो से एक नया मॉडल तैयार करना पड़ेगा। इस बार वांग ने एक सिंपल तरीका चूज किया, इमिटेशन, या थोड़ा पोलाइटली बोले तो रेफरेंस और बोरिंग। ये वही तरीका है जिसके लिए चाइना फेमस है, यानी कॉपी एंड पेस्ट। वांग ने उस टाइम के पॉपुलर मॉडल्स की कॉपी बनाने का फैसला किया और जल्द ही एक नई कार डिजाइन की जिसका नाम रखा गया F3 जो सितंबर 2005 में लॉन्च हुई। पहली नजर में 10 में से 9 लोग इसे टोयोटा कोरोला समझते थे क्योंकि ये हूबहू वैसी ही लगती थी। प्रोडक्शन में वांग ने वही मेथड रेप्लिकेट्स किए जो बैटरी प्रोडक्शन में यूज होते थे, अपना खुद का प्रोडक्शन लाइन डेवलप करना और रोबोटिक आर्म की जगह मैनुअल लेबर का यूज करके कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना। जहां तक बात थी इस मॉडल की प्राइस की तो BYD F3 की सेलिंग प्राइस कोरोला की प्राइस की आधी थी। ये देखकर टोयोटा शॉक हो गया, उन्हें समझ ही नहीं आया कि एक कार जो कि उनकी कार की तरह लगती है वो आधी प्राइस पर कैसे सेल हो सकती है। वहीं कस्टमर्स के लिए ये एक जबरदस्त ऑफर था। एक साल के अंदर ही F3 की सेल्स 1 लाख यूनिट्स को क्रॉस कर गईं, जो चाइना के डोमेस्टिक ब्रांड्स की हिस्ट्री में फास्टेस्ट सेल का रिकॉर्ड था। इसके बाद BYD ने वही फार्मूला फॉलो करते हुए सक्सेसफुली F3 R मॉडल लॉन्च किया जो कि जनरल मोटर की एक सेडान कार का कॉपी था। इसके बाद F6 एक और सेडान कार मॉडल लॉन्च किया। ये मॉडल होंडा की अकॉर्ड और टोयोटा कैमरी का मिक्सचर लगता था। 2007 में वांग ने कहा था कि BYD का गोल है 2015 तक चाइना का नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर बनना और 2025 तक दुनिया का नंबर 1 बनना। आज के टाइम में चाइनीज एंटरप्रेन्योर के ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट सुनना नॉर्मल लगता है, पर उस टाइम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में BYD जैसी कंपनी से ऐसी स्टेटमेंट सुनना एक जोक से ज्यादा कुछ नहीं था। जापानीज कंपनीज जैसे टोयोटा और होंडा, जर्मन कंपनीज जैसे वॉक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज और अमेरिकन कंपनीज जैसे फोर्ड और जनरल मोटर्स को बीट करना उस वक्त एक चाइनीज कंपनी के लिए इम्पॉसिबल लगता था।
उस टाइम पर चाइना की सारी ऑटोमोबाइल कंपनी मिलकर भी ये नहीं सोच सकती थी कि चाइनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई ब्रांड इन लेजेंडरी इंटरनेशनल ब्रांड को कुछ ही सालों में ओवरथ्रो कर देगा। पर वांग फुल कॉन्फिडेंस में था। वांग के मुताबिक उसके लिए कार बनाना टॉयज बनाने जैसा है, क्योंकि चाइना में लेबर फोर्स की कोई कमी नहीं थी। दरअसल वांग का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आने का मकसद ICEV यानी इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल बनाना नहीं था, जो दुनिया भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बना रही थी, बल्कि BYD का F3 से F6 तक का सफर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के लिए था। वांग का असल गोल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना था। वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहता था जिनमें वो अपनी बैटरीज का इस्तेमाल कर सके। अपने पूरे कैरियर के दौरान वांग ने कभी भी अपनी बैटरी बनाने के पैशन को नहीं छोड़ा। वो बस चाहता था कि उसकी बनाई हुई बैटरीज इस दुनिया के हर प्रोडक्ट में हो, किसी छोटे से पावर टूल से लेकर मोबाइल फोन और कार से लेकर सबमरीन तक। 2003 में जब वांग ने चिनचवान ऑटोमोबाइल खरीदा था, तब वांग ने कहा था कि BYD एक दिन चाइना का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरप्राइज बनेगा। 2008 में वांग ने EF3 इलेक्ट्रिक टैक्सी, ET कंसेप्ट कार और हाइब्रिड S कार को शोकेस किया। ये वही साल था जब इलॉन मस्क ने टेस्ला को अपने हाथों में लिया और रोडस्टर जैसी इलेक्ट्रिक कार दुनिया के सामने रखी। लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना और दुनिया के लिए काफी फ्यूचरिस्टिक थी। बैटरी टेक्नोलॉजी इमैच्योर थी। ऑयल सिर्फ $30 पर बैरल था, जिस वजह से इलेक्ट्रिक कार्स की कोई जरूरत नहीं थी। गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज्यादा फोकस कर रही थी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स उतने जरूरी नहीं थे, इसलिए BYD की इलेक्ट्रिक कार की मार्केट उस वक्त तक ना के बराबर थी। जबकि BYD की F3 जो कि एक गैसोलीन कार थी काफी पॉपुलर हो गई थी। फिर भी वांग ने गिव अप नहीं किया। उसने अपना सारा प्रॉफिट दोबारा इलेक्ट्रिक कार को डेवलप करने में री इन्वेस्ट किया, जिससे F3, DM हाइब्रिड, E6 इलेक्ट्रिक व्हीकल और K9 इलेक्ट्रिक बस बनाई गई और BYD दुनिया का लीडर बन गया इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ग्रोथ के साथ ही BYD के लिए एक नई मार्केट खुल गई। ये वही टाइम था जब BYD के बारे में वॉन बफे को इन्फॉर्मेशन मिली। वॉन बफे का असूल था कि वो उन्हीं इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करता था जिनको वो अच्छे से समझता हो। वॉन बफे ने अपने डिप्टी डायरेक्टर डेविड स्कूल को शेंजन भेजा BYD को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सोकोल वांग के इंटेलिजेंस और एबिलिटीज को देखकर दंग रह गया। वो ये देखकर हैरान था कि BYD में 1,00,000 से ज्यादा वर्कर्स कितने स्मूथली मैनेज किए जा रहे हैं। जब सोकोल ने वांग से यहाँ काम कर रहे वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में पूछा, तो वांग ने बैटरी लिक्विड का एक कप पीकर सोकोल को सरप्राइज कर दिया। दरअसल वांग ये बताना चाह रहा था कि जिस रॉ मटेरियल के साथ ये वर्कर्स काम कर रहे हैं वो कितना सेफ है। जब सोकोल वापस US गया तो उसने बफे को बोला कि वांग एक कमाल का इंसान है, आपको उसे जरूर मिलना चाहिए। जल्द ही वांग बफे भी वांग के इलेक्ट्रिक कार फ्यूचर के विजन से कन्विंस हो गया। उसने ऑफर दिया कि वो 20% स्टेक्स खरीदेगा BYD में $500 मिलियन देकर। ये चाइना में वांग बफे का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला था, लेकिन वांग ने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया। जबकि उस वक्त वांग को पैसों की सख्त जरूरत थी, तो उसका कहना था कि उसके पास इतनी इक्विटी नहीं है और वो सिर्फ 10% दे सकता है। फाइनली वांग बफे रेडी हो गया 10% इक्विटी खरीदने के लिए $230 मिलियन देकर। वांग बफे की इस इन्वेस्टमेंट से BYD पूरी दुनिया में और ज्यादा फेमस हो गई। BYD सिर्फ अब बैटरीज या EV तक लिमिटेड नहीं रही, वो अब हर वो प्रोडक्ट बनाने लगी जिसमें उसके रिसर्च टीम को लगा कि उसमें अच्छा प्रॉफिट है, जैसे कि मोबाइल फोन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी को अपना टोटल रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा आता है। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के मोबाइल फोन जैसे एप्पल और शूमी भी BYD की फैक्ट्री से निकलते हैं। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल हमें इंडिया में ही मिलती है, जहां 2019 में BYD और तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके मुताबिक BYD ने 2800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए चेन्नई में एक मोबाइल फोन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, जहां सबसे ज्यादा शाओमी के मोबाइल फोन असेंबल होते हैं। BYD से जुड़ा एक और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जब COVID-19 पैंडेमिक के चलते दुनिया भर में मास्क की कमी हो गई थी, तब BYD ने जीरो से शुरू करते हुए मास्क प्रोड्यूस करना शुरू किए। सिर्फ एक महीने में BYD दुनिया की सबसे बड़ी मास्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी। 2021 के बाद BYD ने इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपनी पोजीशन काफी मजबूत बनाई और ग्लोबल लेवल पर इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाया। 2023 में BYD ने चाइना में वॉक्सवैगन को पीछे छोड़ते हुए टॉप सेलिंग कार ब्रांड का टाइटल अपने नाम किया। ये पहली बार था जब किसी और कंपनी ने चाइना में वॉक्सवैगन से ज्यादा कार बेची। 2024 के एंड तक BYD की ग्लोबल सेल्स 4.27 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई, जो 2023 के कंपैरिजन में 41.3% का पॉजिटिव ग्रोथ शो करती है। BYD ने अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में भी नई ऊंचाइयों को छुआ। इसने डाइसिस इंटेलिजेंट सस्पेंशन सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें व्हीकल जैसे योंगवांग U9 सुपरकार पॉथोल या स्पाइस के ऊपर लीप कर सकती हैं। ये फीचर व्हीकल डायनामिक्स और सेफ्टी में नए स्टैंडर्ड सेट करता है।
BYD ने अपना ग्लोबल फुटप्रिंट एग्रेसिवली एक्सपेंड किया। मार्च 2024 में उन्होंने ग्रीस की ऑटोमोबाइल मार्केट में एंट्री की और नए कार मॉडल जैसे BYD हॉर्न, BYD टांग, BYD सॉन्ग प्लस, DMI और BYD सी लॉन्च की। साउथ कोरिया में BYD ने अपना ऑटो 3 इलेक्ट्रिक SUV मॉडल लॉन्च किया जो लोकल ब्रांड्स जैसे ह्युंडई मोटर ग्रुप को चैलेंज करता है। वहीं यूरोप की बात करें तो BYD ने हंगरी के बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक्सपेंड किया जो इलेक्ट्रिक बसेस और EV कंपोनेंट प्रोड्यूस करता है। इस प्लांट का फोकस यूरोपियन कंट्रीज के लिए BYD के इलेक्ट्रिक बसेस और कमर्शियल EVs की डिमांड को पूरा करना है। 2025 में BYD फ्रांस में एक नई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने जा रही है जो एक्सक्लूसिवली पैसेंजर EVs का प्रोडक्शन करेगी। BYD ने जर्मनी की मेजर सिटीज में प्रीमियम EV शोरूम लॉन्च किए जिसमें ऑटो 3, टैंक और सील जैसे मॉडल को शोकेस किया गया। ये शोरूम्स उनकी ब्रांडिंग और कस्टमर रीच बढ़ाने में मदद करते हैं। 2023 में BYD ने बैंकॉक थाईलैंड में एक बड़े स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इनॉग्रेशन किया था। ये प्लांट हर साल 150,000 इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस कर रहा है और साउथ ईस्ट एशिया की डिमांड को पूरा कर रहा है। थाईलैंड में BYD का टारगेट है कि उसे एशिया का EV हब बनाया जाए। BYD ने 2024 में इंडिया में अपनी इलेक्ट्रिक SUVs जैसे ऑटो 3 और लग्जरी सेडान इंट्रोड्यूस की। वहीं वो इस वक्त इंडिया में एक लोकल असेंबली यूनिट एस्टेब्लिश करने की योजना भी बना रही है। यूरोप और एशिया में नए सेटअप के जरिए BYD ने अपनी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड किया है। इन एक्सपेंशन का मेन फोकस रीजन स्पेसिफिक डिमांड्स, कॉस्ट एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी पर रहा है जो BYD को टेस्ला जैसे ग्लोबल प्लेयर के सामने एक फॉर्मिडेबल कंपटीटर बनाता है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को लेकर BYD और टेस्ला के बीच में कंपटीशन काफी इंटेंस होता जा रहा है जिसमें दोनों कंपनीज अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स और स्ट्रेटजीज के जरिए एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं। BYD के प्रोडक्ट रेंज टेस्ला के मुकाबले में काफी ज्यादा डाइवर्स्ड हैं। BYD के पास प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ PHEVs का भी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है जो डेवलपिंग मार्केट और नए कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबल ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वहीं टेस्ला सिर्फ प्योर EVs पर फोकस कर रहा है। BYD का फोकस हर प्राइस रेंज कवर करना है फ्रॉम अफोर्डेबल मॉडल लाइक BYD डॉल्फिन टू लग्जरी ऑप्शन लाइक BYD टैंग और हैन। इसके मुकाबले टेस्ला मेजरली लग्जरी EVs पर फोकस कर रहा है। BYD का इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। BYD अपनी EV बैटरीज जिसमें ब्लेड बैटरी जैसी एडवांस मॉडल शामिल हैं, खुद मैन्युफैक्चर करता है। वहीं टेस्ला अभी तक बैटरीज के लिए पैनासोनिक और CATL जैसे सप्लायर्स पर डिपेंडेंट है। BYD के अफोर्डेबल EV मॉडल्स डेवलपिंग मार्केट्स जैसे इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका में टेस्ला को पूरी तरह से पछाड़ रहे हैं। टेस्ला के मुकाबले में BYD ने अपनी ग्लोबल प्रेजेंस रैपिडली एक्सपेंड की है। BYD की मल्टीपल फैक्ट्रीज और असेंबली प्लांट्स जो कि एशिया में थाईलैंड, इंडोनेशिया और वहीं यूरोप में हंगरी, फ्रांस और जर्मनी में तेजी से सेटअप हो रहे हैं। टेस्ला की फैक्ट्रीज अभी भी US, चाइना और कुछ यूरोप में फोकस्ड हैं। BYD अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी, ग्लोबल एक्सपेंशन और डाइवर्स ऑफरिंग के जरिए टेस्ला की मोनोपोली को डायरेक्टली चैलेंज कर रही है। टेस्ला का फोकस इनोवेशन और प्रीमियम सेगमेंट पर है, लेकिन BYD की एग्रेसिव प्राइसिंग, लार्जर प्रोडक्ट रेंज और इमर्जिंग मार्केट पर फोकस ने टेस्ला के लिए एक टफ कंपटीशन क्रिएट कर दिया है। ये था वांग चुआनफू, फाउंडर ऑफ BYD की जर्नी का एक रिसर्च बेस्ड ओवरव्यू। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कर दें और हाँ, रिसर्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।